डॉक्टर विपिन, ये सर्वाइकल कैंसर किसे कहते हैं? अगर किसी को, किसी महिला को सर्विक्स, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है, पार्ट में कैंसर होता है, जो अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल्स है, उसे सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। तो उनको उसके लक्षण क्या होते हैं? सर्वाइकल कैंसर का सबसे पहला लक्षण होता है खून आना। अगर किसी को कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद या अपने आप ही वजाइना से खून आ रहा है, या उसको पेट में दर्द हो रहा है जो बैक में भी रेफर हो रहा है, या उसको वजन कम हो रहा है, या उसकी भूख कम हो रही है, तो इसमें से कोई भी सर्वाइकल कैंसर का लक्षण हो सकता है। बट द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज ब्लीडिंग। तो आप ये इसी से डायग्नोस करते हैं? और नहीं, सर्वाइकल कैंसर डायग्नोस करने के लिए अगर किसी महिला को ब्लीडिंग से आती है, तो सबसे पहले हम उसको एग्जामिनेशन करेंगे और देखेंगे सर्विक्स में कोई ग्रोथ है या है। अगर ग्रोथ रहती है, तो उसमें से हम छोटा सा टिश्यू निकाल के माइक्रोस्कोप में स्टडी करके देखेंगे कि ये इन्फेक्शन है या कैंसर है। अगर ये कैंसर आता है, तो हमें इमेजिंग करना पड़ेगा टू सी व्हाट इज द स्टेज। स्टेज में हमें ये मालूम पड़ेगा कि कैंसर सिर्फ सर्विक्स में है या कोई और पार्ट में स्प्रेड हुआ है, जैसे पेट में या लंग्स में या लीवर में या ब्रेन में। और फिर उसे उसका उपचार कैसे करें? उपचार करने के लिए हमें पता रहना चाहिए कि कौन सा स्टेज है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर का ट्रीटमेंट स्टेज पे डिपेंड करता है। अगर ये स्टेज वन ही है, तो ये सर्जरी से ठीक हो जाएगा, उसको रेडिएशन और कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो स्टेज टू बी या थ्री है, तो उसको कीमोथेरेपी और रेडिएशन दिया जाएगा, जिससे क्योर चांस होने के 50% चांसेस है। बट स्टेज फोर, जब ये दूसरे पार्ट में ऑलरेडी फैल गया है, तो उसको हम कम्प्लीटली ठीक नहीं कर सकते, उसको हम सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हैं बाय कीमोथेरेपी। तो मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कोई सिम्टम्स है, तो अपने डॉक्टर से इमीडिएटली मिलिए, ताकि हम उसको स्टेज वन में पकड़ सके और उसका 90-95% क्योर कर सके। और किसी और तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं? सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको हम डेफिनेटली प्रिवेंट कर सकते हैं। ये लाइफस्टाइल कैंसर भी कहा जाता है, जो ह्यूमन पैपिलोमा एक तरह के वायरस से हुआ जाता है। तो अगर हम वो वायरस को रोक सकते हैं, तो सर्वाइकल कैंसर को भी रोक सकते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा वैक्सीन उपलब्ध है, जिसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन कहते हैं। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, हर महिला को अपने घर में अपने बच्चियों को बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स ये वैक्सीन देना चाहिए, जिससे आप सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वैक्सीन प्लस मेंटेनिंग गुड हाइजीन कैन प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।